ड्यूटी लगाई गई थी कोल्ड स्टोर के हरदोई में, सांडी में है, कौन कोल्ड स्टोर का नाम है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कोल्ड स्टोर पर आपके किसी कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ लगी थी और मैं उस कोल्ड स्टोर पर खड़ा हूँ, कर्मचारी आपका गायब है। 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर उसका मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ जाएगा ना, मैं पूछ रहा हूँ 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर आ जाएगा कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन लेटर भेज दूँ? 15 मिनट में मैं यहाँ से 15 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा जा पाऊँ, उससे पहले उसका सस्पेंशन लेटर आ जाना चाहिए, और नहीं तो 16वें मिनट तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मैं भेज दूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं लंगड़ा आदमी साला पैर टूटा तो भी दौड़ रहा हूँ, हरामखोरी तुम लोग कर रहे हो। हरदोई में यूपी के मंत्री का अधिकारी को फटकार लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह डीएचओ से ड्यूटी पर नदारद कर्मचारी का निलंबन पत्र मांग रहे हैं। 15 मिनट में सस्पेंशन नहीं तो 16वें मिनट में अधिकारी को ही सस्पेंड करने की बात कह रहे हैं। मंत्री ने कहा, जिस कर्मचारी को तुमने यहाँ भेजा है वो गायब है, यहाँ किसान परेशान है और तुम लोग आराम कर रहे हो। जिस कर्मचारी की यहाँ ड्यूटी लगी है उसका सस्पेंशन लेटर मुझे 15 मिनट के अंदर भेजो, वरना मैं 16वें मिनट पर तुम्हारा सस्पेंशन लेटर भेजता हूँ। दरअसल उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बुधवार को हरदोई पहुंचे थे। वो हरदोई के सांडी में एक कोल्ड स्टोर का निरीक्षण करने गए थे। मंत्री के कोल्ड स्टोर पहुंचते ही वहां मौजूद आलू किसान ने उनसे कोल्ड स्टोर के कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायत की, जिसके बाद गुस्साए राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हरदोई के डीएचओ सुरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया। कर्मचारी और अधिकारी तनाव में आ गए। निरीक्षण के दौरान उनको उद्यान विभाग का कर्मचारी भी गायब मिला। ये कर्मचारी लखीमपुर का रहने वाला है। डीएचओ लखीमपुर ने ही इसकी तैनाती हरदोई में की थी। कोल्ड स्टोर पर इतनी लापरवाही देखकर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पारा और चढ़ गया। ये ड्यूटी लगाई गई थी कोल्ड स्टोर के हरदोई में, सांडी में है, कौन कोल्ड स्टोर का नाम है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कोल्ड स्टोर पर आपके किसी कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ लगी थी और मैं उस कोल्ड स्टोर पर खड़ा हूँ, कर्मचारी आपका गायब है। 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर उसका मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ जाएगा ना, मैं पूछ रहा हूँ 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर आ जाएगा कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन लेटर भेज दूँ? 15 मिनट में मैं यहाँ से 15 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा जा पाऊँ, उससे पहले उसका सस्पेंशन लेटर आ जाना चाहिए, और नहीं तो 16वें मिनट तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मैं भेज दूंगा, और शिथिल पर्यवेक्षण के लिए तुम्हारे खिलाफ भी अभी मैं बैड एंट्री दर्ज कराता हूँ। तुम्हारा पर्यवेक्षण शिथिल है, तुम्हारा आदमी यहाँ पर ड्यूटी पर क्यों उपस्थित नहीं है? तुम्हारी बैड एंट्री और उसका सस्पेंशन दोनों हो रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं लंगड़ा आदमी साला पैर टूटा तो भी दौड़ रहा हूँ, हरामखोरी तुम लोग कर रहे हो। वो कह रहा कि मैं पहले कह जा रहा पहले पैसा जमा करी तब मैं कोल्ड स्टोर में आलू लूंगा। कोल्ड स्टोर में चाहे जो आलू लेके आए किसान उसका रखा जाएगा। 50,000 लगाए हैं वो यहाँ लाए हैं और फिर ले जाए घर। सुबह से कल 11 बजे से पौने 11 बजे रात को लाए, एक ही ट्राली थी बाबा की, सुबह को आई, मैंने कहा अंदर ले लो, बोला ये दो ट्राली लो, फिर जिसकी लगता है पोस्ट हुआ है उसी के अंदर लेते, हमारी ट्राली पे हाथ रख दिया, ये दो रोक लो ये अंदर ला दो, वो दो ट्राली उतर गई मेरी बाहर है। बयान लेकर कोर्ट एफआईआर करवा दो। इनकी नोट कर रहे हो, इनकी बात, इनकी कोई लेप कर रहे हो ना? जी सर। कब आए हो तुम? पौने 11 बजे रात को। पौने 11 बजे रात को तब से खड़े हो? खड़े हैं, ट्राली अंदर नहीं आ पाया तो अंदर अभी ट्राली हुई है, दो ट्राली हमारे पीछे थी वो अंदर हो गई, और हम किसान आदमी नहीं हुए वहां तक पहुंचे, जब आप अनुमति देंगे तब ले आएंगे, बाद बाकी जा रही है खाली हो रहे जा रही है। तुमसे भी कहा गया कि पहले किराया जमा करो? हाँ, कहा गया, हम पूरा भाड़ा जमा करने को तैयार थे, लेकिन आलू दूसरी गाड़ी दो मंगवा दी, मेरी गाड़ी वहीं पे लगवा दी, गाड़ी ठोक दो, मैंने तो किसान आदमी कमा के गाड़ी ली है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।